25th verse. 20. Let's see. Vimochitum kama drisha vimini ram yannikado narayana. Okay, so I think I did that. I think I am on 20th shlok. 20th shlok se padh rahe. 7620. So, Prahlad Maharaj apne friends ko instructions de rahe. और अभी तक प्रहलाद महाराज ने इंस्ट्रक्शंस दी कि वेल जस्ट रीकैप कि बचपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए. 5 साल की उम्र से भक्ति को भागवत धर्म भी कहते हैं क्योंकि भगवान ने स्वयं ने वो रास्ता बनाया है अपने आप को प्राप्त करने के लिए. सो भागवत धर्म है, इसका मतलब और भी तरह के धर्म है. तो एक लौकिक धर्म भी होता है जो साधारण धर्म है जो लोगों को पता है, मगर भागवत धर्म नहीं पता लोगों को. और जो लौकिक धर्म पालन करते हैं मोस्टली वो लोग भागवत धर्म पालन करने वालों की निंदा करते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि भक्ति मतलब जो रियली में फॉलो कर रहे हैं भक्ति, जो दिखा रहे हैं वो तो बात अलग है. क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते कि ये धर्म ऊपर है, इसके प्रिंसिपल्स हायर हैं. जो लौकिक धर्म है उसके प्रिंसिपल्स नीचे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं तो बच्चे तो खेलते रहते हैं, बच्चों को खेलना भी चाहिए वरना तो बड़े इनर्ट से और इनएक्टिव से हो जाएंगे. बच्चों को खेलना चाहिए, चुस्त रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए वरना ग्रो नहीं करेंगे. नहीं उनके लिए ठीक है, मगर अब जो अगर वो किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो खेल कूद नहीं रहा है, वो चुस्त नहीं है, वो खा पी नहीं रहा, यू नो ही इज नॉट डूइंग लाइक दैट. वो सीरियस है, सोसाइटी में काम कर रहा है, नहीं अपना जो भी है. तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से कहें वो कहेंगे कैसे लोग, ये तो क्या है, ये तो मजे ही नहीं करते है. नहीं ऐसे कहते ही हैं, मम्मी पापा कहते हैं पढ़ो खेलो मत, तो कहते हैं आप तो कुछ नहीं करते, हमें तो खेलने दो. सो उनको समझ नहीं आती चीजें. या फॉर एग्जांपल उनके पर्सपेक्टिव से हमारी जो क्रियाएं हैं वो उनको समझ नहीं आएंगी क्योंकि वो छोटे हैं, हम लोग बड़े हो गए, हमें एक हायर प्रिंसिपल्स समझ आ गए हैं. या फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया जाता है जैसे लस्ट का, बच्चों को लस्ट समझ ही नहीं आएगी क्या है, काम वासना उनको समझ ही नहीं आएगी, मतलब उनके उनकी वायरिंग ही रेडी नहीं है ब्रेन की वो चीज़ समझने के लिए. मगर जब बड़े होते हैं तो अपने आप चीज़ें अपने आप समझ आने लगती हैं. सो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है. क्या हम गलत हैं? नहीं, सब अपने अपनी पोजिशन में ठीक है. इसी प्रकार जो लौकिक धर्म है और जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म हायर है, भक्ति के प्रिंसिपल्स हायर है, तो लौकिक धर्म भी ठीक है और भक्ति भी ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है. और एक बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति ना लौकिक धर्म को त्यागता है ना भागवत धर्म को, वो दोनों को फॉलो करता है, बट उसको ये पता है कि कहाँ क्या चीज़ फॉलो करनी है, ये पता है उसको जो ट्रेंड है. जो अनट्रेंड है एक तो उसको पता ही नहीं भक्ति क्या है, पता भी है तो वो कन्फ्यूज होता रहता है, अभी ये प्रिंसिपल अपनाऊं, अभी ये प्रिंसिपल अपनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं. सो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से भागवत धर्म फॉलो करो वरना ट्रेंड नहीं होगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बड़े होकर, समझ नहीं आएगा आप लोगों को. सो प्रहलाद महाराज ने बोला, प्रहलाद महाराज ने फिर बोला कि वेल भागवत धर्म पालन करने के लिए टाइम होना चाहिए, टाइम बचाओ. और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा वेल टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि हाउस होल्ड लाइफ में, क्योंकि व्यक्ति की लाइफ ऐसी बीत जाती है, कल मैंने मैथमेटिक्स भी बताई, वेस्ट हो जाती है. और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि वेल टाइम बचा के क्या करना है, भगवान कृष्ण से प्रीति आसक्ति और प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करो, वही लाइफ की सक्सेस है. और भगवान से प्रेम करना बहुत आसान है क्योंकि भगवान आपके हृदय में ही है,
यहां तक प्रहलाद महाराज ने बात की। अब उसके बाद प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान कौन है। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट दैट, भगवान कौन है। सो ही सेइंग परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थ वरादिषु, 20th वर्स, भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अत महत्सु च। प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान सब जगह है, ऐसा नहीं है कि केवल आपके हृदय में ही है, ऐसा नहीं है केवल मंदिर में है, भगवान सब जगह है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान सब जगह और मंदिर में नहीं है ना, वो भी गलत फिलॉसफी है। नहीं, अब सब जगह तो मंदिर में क्यों नहीं है, नहीं। सो भगवान सब जगह। एक जो नया भक्त होता है, जो कनिष्ठ, जो थर्ड क्लास डिवोटी है, जो जिसने भी शुरू की है भक्ति, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको लगता है भगवान केवल मंदिर में है, उसको ऐसा लगता है। जो मिडिल क्लास डिवोटी है, मध्यम अधिकारी, सेकंड क्लास, उसको उसको पता है कि भगवान मंदिर में भी है, उसको पता है भगवान हर जगह है, उसको पता है, मगर उसको अनुभव नहीं है इस चीज का। नॉलेज है सिर्फ, नॉलेज और अनुभव में फर्क है। जैसे हमें नॉलेज है कि हम शरीर नहीं है, मगर अनुभव है नहीं। या चलो ज्ञान तो सबको ही है भारत में कि ये सब माया का जाल है, भारत में तो सभी कहते हैं, मगर अनुभव है नहीं। सो अनुभव नहीं होता। उत्तम अधिकारी को इस बात का अनुभव है कि भगवान हर जगह, भगवान सबके हृदय में, हर कण कण में, अपने मंदिर में भी है। ही अंडरस्टैंड दिस। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं परावरेषु भूतेषु, सब सब भूतों में, भूतों में मतलब एलिमेंट्स, भूत मतलब एलिमेंट्स होता है संस्कृत में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और जीवात्मा, ब्रह्मांड अंतस्तवरादिषु, और ब्रह्मांड के हर कण कण में भगवान वास करते हैं। भौतिकेषु विकारेषु, जो संसार में तीन गुण काम कर रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो शक्तियां काम कर रही हैं, उसमें भी भगवान वास करते हैं। भूतेषु महत्सु च। सो इस एक्चुअली प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान कहाँ नहीं है ये बताओ। तभी तो हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा हर जगह, उन्होंने कहा खंभे में भी है, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, भगवान वहीं से प्रकट होगा। नहीं, ये जो गुरु नानक जी थे ना, गुरु नानक भी एक बार ऐसे ही लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपना पैर, ये जो मक्का नहीं होता, मक्के की तरफ करके सो रहे थे। गुरु नानक वेंट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान तो उस टाइम था ही नहीं, गुरु नानक अपना ये पाकिस्तान में कहूँगा, जो भी यवन देशों में वहाँ प्रीचिंग करने गए थे ना, उस एरिया में, अरब कंट्रीज और मुस्लिम हो क्या, तो वहाँ पे वो अपना लेटे हुए पैर मक्के की तरफ करके, वहाँ पे मुस्लिम आया, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, पैर दूर उधर करो। तो गुरु नानक ने कहा ठीक है, तो मेरे पैर उठा के किसी और डायरेक्शन में कर दो, मक्के की डायरेक्शन छोड़ो। तो वहां पे मक्का भी था, मॉस्क भी था उसी डायरेक्शन में सामने ही। तो उसने कहा ठीक है, उसने पैर पैर मार के उनका पैर दूसरी तरफ कर दिया। तो उसने देखा कि मॉस्क वहीं था, तो उसने पकड़ के दूसरी तरफ, क्या भाई आ गया, वो जहां जहां पैर कर रहा था वहीं पे मस्जिद आता जा रहा था, उनके पैर पड़ गया। उन्होंने कहा भाई ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वो पॉइंट मेरा ये है कि गुरु नानक जैसे जो लोग हैं, जो कि सेल्फ रिलाइज्ड पीपल हैं, इनको अनुभव है, प्रहलाद महाराज को अनुभव है, तभी तो उन्होंने कहा खंबे में, और खंबे से भगवान ही आ गए। हम लोग कहेंगे दीवार में तो भगवान आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अब कहोगे तो झूठ है, झूठ नहीं है भैया, तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम अनुभव में लैक करते हो, इसलिए वहां से प्रकट नहीं हो रहे। तुम्हें भगवान फेवर क्यों करेंगे जब तुम्हें अनुभव ही नहीं है, यू सी। सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आल्सो। सो डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि आई मीन टू से कुकिंग तो हर आदमी करता है, और आप मैनुअल पढ़ के कुकिंग कर भी सकते हो। नहीं, आप एग्जैक्टली वही स्टेप फॉलो करो, एग्जैक्टली वही स्टेप वो फॉलो करेगा, चार लोग करेंगे मगर सबका टेस्ट डिफरेंट होगा, देख लेना एग्जैक्ट प्रोसीजर। कहोगे ये क्या है, फिर एंड में क्या नया निकलेगा कंक्लूजन, एंड में लगेगा भैया इसके हाथ में टेस्ट है, ये कहते हैं ना, इसके हाथ में ही टेस्ट है। तो उसका मतलब क्या है, हाथ में से तो नहीं वो डाल रहा जादू करके, उसका अनुभव है ना, उसका टेस्ट में अनुभव है, इसलिए वो उसमें टेस्ट
डाल पा रहा है या वहां से टेस्ट निकाल पा रहा है, दूसरे मतलब डाल तो कुछ नहीं रहा है, वो वहां से निकाल पा रहा है क्योंकि उसका अनुभव है वहां पर। तो अनुभव से आप रियलिटी को एक्सेस कर सकते हो। नाउ दैट्स द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ भागवतम। सिर्फ नॉलेज से नहीं कर सकते आप, रियलाइजेशन से। सो प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं कि देखो भगवान हर जगह है, व्याप्य व्यापक निर्देश्य, भगवान हर जगह है इसलिए कहीं दिखाई नहीं देते, नहीं कहीं दिखाई नहीं देंगे, हर जगह मगर दिखाई नहीं देंगे। अनिर्देश्य, निर्देश मतलब देखना, अनिर्देश मतलब दिखाई नहीं देना। तो क्या करें, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही अनिर्देश्य अविकल्पित, फिर भी हम पे कृपा करने के लिए भगवान अपने अर्श विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो भगवान को हर जगह अनुभव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उनके लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान अर्श विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। वरना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वरना कैसे करोगे। वरना हमारी सिचुएशन में अगर आप बोलो कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ऐसे ओ माई गॉड में मंदिर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, भगवान हर जगह है, उसके चक्कर में भगवान हर जगह वहां मंदिर नहीं आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सीधा भोग में पड़ जाएंगे। भगवान को तो भूल ही गए, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, भगवान हर जगह है, ठीक है हर जगह है, तो क्या करें, हर जगह टीवी में भी है, उसमें भी है, शराब में भी है, उसी में पड़, क्योंकि हम अभी लोअर सिचुएशन है ना, हमारी नेचुरली माइंड भोग की तरफ जा रहा है, हमारा नेचुरल प्योर नहीं है अभी हम, इसलिए सारी व्यवस्थाएं टेम्पल, और ये हेल्प करती है डिवोटी को आगे बढ़ने में। ये सारी भगवान ने बनाई है, ये कोई इंसान ने नहीं बनाया, ये सारी जो पद्धतियां हैं, ये इंसान ने मंदिर बना दिया गलत, उसको आइडिया कहाँ से आ गया मंदिर बनाने का, कहाँ से, कहीं से तो आइडिया आया होगा। इनफैक्ट हर रिलीजन में कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, आफ्टर इस्लामिक कंट्रीज मुस्लिम्स वो मंदिर वंदिर को मानते नहीं, नहीं नहीं मानते ना, वो तो कहते हैं मूर्ति पूजा, बट एक्चुअली क्या है, तो मक्का क्या है फिर, मक्का क्या है, एक तरह से मंदिर ही तो हो गया जहाँ पे सब जा रहे हैं, ठीक है मूर्ति नहीं है बट एक तरह से कोई स्ट्रक्चर तो है ना। हर व्यक्ति को कोई ना कोई जगह चाहिए लोअर सिचुएशन में, लोअर प्लेटफॉर्म पे, जब तक भगवान के अनुभव नहीं हो रहा तब तक चाहिए चीजें। सो वो मना नहीं कर सकते आप मूर्ति पूजा, ठीक है आपका मक्का क्या है फिर। और इनफैक्ट ओके, इनकी समाधियां क्या होती हैं, सूफियों की वो नहीं होती, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं उसको, मजार नहीं होती, जाते हैं मत्था टेकते हैं, क्या है फिर वो, एक ही बात है वो तो। इनफैक्ट ज्यूइश रिलीजन पता है, यहूदी जुडाइज्म, वो भी कहते, वो उन्होंने भी मोसेस, भगवान ने कहा था मोसेस को कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बट एट द सेम टाइम कोई मंदिर नहीं बनाना, बट एट द सेम टाइम उनके यहाँ मंदिर बना, और उस मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं थी, मगर उस मंदिर में 10 कमांडमेंट्स थे, उनको जो दिए थे ना मोसेस को टैबलेट्स, तो भगवान ने कहा तुम रखो इसको बॉक्स में, टेंट बनाओ और वो तुम्हारा छोटा टेम्पल होगा, और सारी इंस्ट्रक्शन भी देखी, तुम इतने पोल्स बनाना है, ऐसे करना, ऐसे करना। सो हमारे जो, जब तक हम बद्ध जीव हैं, जब तक भगवान, जब तक हमें सिर्फ शरीर ही दिखाई दे रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है ना हमें शरीर, उसके सिवाय तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जब तक हमें जड़ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं तब तक हमें इन चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, टेम्पल, माला, तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं हमें, असिस्ट करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यार तुम तो माला करते हो, दिखाते रहते हो लोगों को, नहीं मंदिर जाते हो क्या है, मन में होना चाहिए, मन में होना चाहिए, मना नहीं करे, मगर तुम करा करके तो दिखा दो, झूठ मत बोलना बस अपने आप से, अपने आप को धोखा देने से कुछ नहीं होगा। तो मन में क्या है तुम्हारे, देखो तो सही पहले, मन तो भाग ही जा रहा है 24 घंटे, मन में तो काम वासना क्रोध द्वेष यही भरा पड़ा है। सो बेटर एक्सेप्ट व्हाट यू आर, भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, भगवान कहते हैं तुम जैसे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक्सेप्ट करो तुम ऐसे हो, तब बाकी काम मैं करूंगा, तुम एक्सेप्ट तो करो, है नहीं। आप टीचर के पास जाके कहोगे टीचर जी मुझे सब कुछ आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, टीचर कहेगा ठीक है खुद पढ़ ले, यही कहेंगे ना, ठीक कर ले तू, फेल हो जाओगे फिर। अब बोलोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, प्लीज मुझे सिखा दो, टीचर कहेगा ठीक है, वो पर्सनल फिर अटेंशन देगा, है ना। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य पे चलो, तभी तो हमें धर्म में बहुत बड़ी चीज़ है ना सत्य,
सत्य क्या है? सत्य है कि जो आप हो वैसे स्वीकार कर लो। तो प्रहलाद यही कह रहे हैं, वेल भगवान अपने डीटीज के रूप में आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। केवल अनुभव आनंद परमेश्वर, भगवान का स्वरूप क्या है? नाउ सेइंग प्रहलाद कह रहे हैं कि आपको मूर्तियां पत्थर नजर आएंगी, मगर एक्चुअली पत्थर नहीं है वो। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है गुरु नरमति अर्च शिलामति, जो गुरु को केवल साधारण मनुष्य मानता है, जो भगवान की मूर्तियों को पत्थर मानता है, जो गंगा के जल को केवल पानी मांगता है, और जो भगवान के धाम को एक साधारण भूमि मानता है, वो नरक जाने योग्य है। ये तो बहुत फेमस श्लोक है सारे वैष्णव संप्रदाय में। सब कहोगे वह लगता तो ऐसा ही है, लगता तो गंगा जी पानी तो पानी है नहीं, और वृंदावन क्या है? वो तो एक ऑर्डिनरी भूमि है। और ये क्या है? मूर्तियां तो पत्थर ही लग रही हैं। वेल लग रही हैं, मगर तुम्हें लग रही हैं। जो महान व्यक्ति हैं वो मूर्तियों से बात भी कर सकते हैं और बोलते भी हैं। ऐसे हिस्टोरिकल कई इंसिडेंसेस हो गए, ये तो रिकॉर्डेड है। एटलीस्ट डिवोशनल जो भक्त हैं उनको पता है, डिवोटी से डीटीज ने बात की है, भगवान ने प्रसाद खाया है, हम चल के भी गए हैं साक्षी गोपाल की कथा में। सो हमारी जो आंखें हैं ना, जो जिनमें माया का पर्दा होता है, उससे ऐसा लगता है कि ये, बट महाप्रभु ने कहा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान है ये। सो प्रहलाद कह रहे हैं उनका रूप क्या है? स्वरूप आनंद, भगवान का रूप केवल आनंद से बना है। हमारा शरीर हड्डी मांस से बना है, भगवान का शरीर आनंद से बना है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, लगता सेम है, लगता दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, सब सेम है, मगर हमारा अलग बना है। हमारा तो जड़ वस्तुओं से बना ना, डेड एलिमेंट्स है ना हमारे शरीर में। भगवान के अंदर डेड कुछ नहीं है, केवल हैप्पीनेस है। रसो वही सह, ये वेद कह रहे हैं, वहां रस के सागर हैं। सो मगर लगते सेम है, वो हटा दो अगरबत्ती, सेम लगते हैं। That's a point. So question क्या है? मतलब हमें दिखाई क्यों नहीं देते ऐसे? हमें क्यों नहीं दिखाई देता भगवान? Well, विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कि जब भगवान आए थे यहाँ पे धराधाम पे, तो कृष्ण को कोई मतलब दुर्योधन वुर्योधन तो नॉर्मली समझ रहा था उनको। दुर्योधन तो कह रहा था ये तो कपटी ग्वाला है, शिशुपाल भी यही कह रहा था, गाली दे रहा था शिशुपाल तो। मगर भगवान के भक्त पांडव व्रजवासी, उनको भगवान कैसे दिखाई दे रहे थे? भागवत कह रही है उनको जब भगवान आते थे उनको कृष्णा दिखाई देते थे कि सूर्य कोटि समा प्रभा, भगवान के शरीर से करोड़ों सूरज जैसा तेज निकलता था, उनको दिखाई दे रहा था। ऑर्डिनरी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। ये तो श्लोक में ही है, सूर्य कोटि समा प्रभा, पता है ना, ये बहुत फेमस श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये? शांतकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, विष्णु की डिस्क्रिप्शन है। सो भगवान तो ऐसे हैं। सो बाइबल में भी लिखा है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, सुना है? फेमस है। भगवान ने सारी सृष्टि की, जानवर बनाए, ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, भगवान संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा अब मैं एक स्पीशीज बनाऊंगा जो मेरे जैसी दिखेगी। भगवान ने देवता भी बना दिए, सब बना दिए। भगवान ने कहा मगर मैं अब एक ऐसा बनाऊंगा जो मेरे जैसा दिखेगा, और फिर मनुष्य की रचना की एग्जैक्टली सेम अपने फॉर्म के रूप में। और फिर भगवान ने देवताओं से कहा कि इन सबको, इन मनुष्य को प्रणाम करो क्योंकि दे आर मेड इन माय इमेज, क्योंकि इस फॉर्म में, इस स्पीशीज में ही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, और किसी भी जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए रिस्पेक्टेबल है। सो कृष्णा डिड दैट। सो दैट्स गॉड, आनंद के सागर है। माया अंतर हिते ऐश्वर्य इयते गुना सर गया, मगर हम लोग माया से ढके होते हैं ना, इसलिए हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हमें लगता है चीज है वैसे, हमें तो लगता है भगवान का नाम एक शब्द है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम भगवान खुद है वो, तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस होंगे, तो हमें दिखाई देने लगेगा भगवान का नाम भगवान खुद है। इसलिए
प्रहलाद कह रहे हैं तस्मात सर्वेशु भूतेषु, इसलिए प्रहलाद की एडवाइस है कि माय डियर फ्रेंड्स दयाम कुरुते सौहृदम, सब जीवों पर दया करो। दया मतलब कि सब जीवों को भगवान के बारे में बताओ। इनफैक्ट लोगों को घूमने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, नहीं पिक्चर देखने में मजा आता है, फालतू की बातें करने में मजा आता है। डिवोटीज को मजा आता है, आता है। डिवोटीज को दूसरों को भक्ति देने में मजा आता है। हम भी मजा करते हैं, ऐसे थोड़े ना है, मगर हमारे मजे अलग है। भगवान को किसमें मजा आता है? लीला अनुकृतो स्यात्, ये वेदांत सूत्र में सूत्र है। भगवान भी लीला करते हैं, ये तो सुना होगा। लीला मतलब क्या है? कि ही प्लेस ही एंजॉयस, लीला एंजॉय तो है, लीला करते हैं ना। तो भगवान को किसमें मजा आ रहा है? वेद क्या कह रहे हैं? लीला अनुकृतो स्यात्, भगवान को जीवात्माओं को मोक्ष देने में मजा आता है, उनको प्रेम के रास्ते पर चलाने में मजा आता है, उसी में हमें भी मजा आता है। ये जो हम लोगों को नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, जब लोग प्योर बनते हैं, भगवान को समझते हैं, भगवान से प्रेम होता है, तो भक्त को बहुत आनंद आता है ना। हमारे मजे अलग टाइप के हैं, हमें तो डिवोटीज वैष्णवों की सेवा करने में मजा आता है, भगवान की सेवा करने में मजा आता है, भगवान की कथा करने में मजा आता है। देखो मजा तो लेना ही पड़ेगा, अब आपको चूज करना है कहाँ लेना है, बस अब मजा लेना बंद नहीं कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करोगे मजा बंद करने की तो बोर हो जाओगे, सो जाओ। ऐसे है ना, मूवी देख रहे हो, मजा नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, होता है नहीं होता है? बोरिंग मूवी में क्या होता है, आप बैठे हो, बैठना ही पड़ेगा, बाकी सब हंस रहे हैं, आप कह रहे हो यार क्या चल रहा है, नींद आ जाएगी, ऐसे होगा नहीं होगा। सो मजा नहीं आएगा तो आप तमोगुण में चले जाओगे, मगर हमारे मजे अलग टाइप के, हमें मजा आता है भगवान को मजा देने में। दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे माँ को आनंद आता है, अपने बच्चे को आनंद आते नहीं आते? आते ही। माँ को बहुत आनंद आता है जब बच्चे को आनंद मिलता है, मतलब माँ को चाहे कितने दुख मिलता रहेगा, बच्चा सुखी है तो माँ सुखी है, बस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अपने दुख से, बच्चा खुश है तो वो खुश रहेगी। सो ऐसे हमारे, अगर भगवान और भगवान के भक्त खुश हैं तो हम खुश हैं। सो इसको कहते हैं दया, दया कुरुता, इसको कहते हैं दया। दया कोई छोटा, दया कोई चीप वर्च्यू नहीं है। वर्च्यू समझते ना आप लोग, वर्च्यू चीप गुण नहीं है कि हाँ गरीब को खाना खिला दिया, ओहो हो कितनी दया आ गई, ठीक है उससे तो अच्छा है कि खुद ही ठूसते रहो, मगर हाँ ये दया है गरीब को खाना खिला दिया, ठीक है। एक बहुत छोटे स्केल पे दया है, किसी कुत्ते को खाना खिला, आजकल ये होना कबूतरों को खिला दिया, कुत्ते को खाना दिया, दया है, हो सकता है, मना नहीं कर रहे, मगर बहुत ही छोटे स्केल पे है, इसको दया नहीं कहते रियली में। रियली में दया है कि किसी को भगवान से कनेक्ट कर दिया, किसी को बता दिया कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। भाई तू करोड़ों जन्मों से घूम रहा है संसार में और टाइम वेस्ट करता जा रहा है और तेरी मैथमेटिक्स भी कमजोर है, उसको समझा दिया भाई, वो रियल दया है ना, उसको सही रास्ता दिखा दिया जो भटका हुआ कई जन्मों से, दैट्स दया। उसको भगवान का प्रेम दे दिया, इस संसार के छोटे मोटे सुखों से निकाल के परम आनंद दे दिया ना, दैट्स रियल दया। दया कुरुता सौहृदा, सौहृदा प्रहलाद कह रहे हैं सबके वेल विशर बनो, सबके मंगल के बारे में सोचते हो, ये थॉट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा अपने लिए, अब क्या करूंगा अपने लिए, अब मैं क्या करूंगा अपने लिए, अब क्या करूंगा, ये तो स्वार्थ है। स्वार्थी लोगों को तो कोई लाइक नहीं करता, स्वार्थी लोगों के लिए धर्म में कोई जगह नहीं है। जैसे नर्सरी में पहली शिक्षा है ABCD, ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में पहली शिक्षा है निस्वार्थ। स्वार्थ, सेल्फिशनेस इज क्या कहते हैं शिल प्रभुपाल लिख रहे, सेल्फिशनेस इज भूल गया, एग्जैक्ट वर्ड भूल गया, मतलब सेल्फिशनेस इज हेटफुल एंड समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव, प्रभुपाल लिख रहे हैं। स्वार्थ से तो क्या कहते हैं, हेटफुल कैसे कहेंगे, हेट कैसे, स्वार्थ से तो घृणा करनी चाहिए। घृणा किसी से तो करोगे ना,
घृणा करना भी नहीं रोक सकते आप, ये सारी चीजें ना रोक नहीं सकते क्योंकि अंदर से आ रही है ना, आप रोकोगे कैसे? आप ये नहीं कह सकते आज से मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, हो जाएगी घृणा, आपको भक्तों से घृणा स्टार्ट हो जाएगी। मंदिर में आओगे एक महीने बाद आओगे कहोगे यार ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं ये भागवत धर्म है, कुछ चीज रोको मत, सही जगह लगा दो। सो इतने बड़े ऋषि मुनि किससे घृणा करते थे? पाप से घृणा करते नहीं करते थे? देख लो भगवान घृणा कैसे करते हैं, पाप से करते हैं। सो घृणा करनी है तो यस, स्वार्थ, पाप का मूल है स्वार्थ। जहां स्वार्थ है वहां पे गुण भी दोष बन जाएंगे, और जहां प्रेम है वहां दोष भी गुण बन जाएंगे अपने आप से। भाई मान लीजिए किसी की प्रेस करना गुण है दोष है? अब मुझे बताओ क्या कहते हो? वैसे तो कहोगे गुण ही है, किसी की प्रशंसा करना गुण है ना, या सब लोगों की प्रशंसा, लोग कहते हैं ना ये तो सबकी प्रशंसा करता है कितना अच्छा व्यक्ति है, मगर एक्चुअली जरूरी नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि वो स्वार्थ से कर रहा है, या अगर वो स्वार्थ से कर रहा है कि भाई मैं सबकी प्रशंसा करूंगा मेरा काम निकल जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है, फिर गुण थोड़े ना, वो गुण क्या बन गया? दोष बन गया, फिर वो प्रेज नहीं है, फिर उसके लिए दूसरा टर्म है फ्लैटरी। उसी स्वार्थ जहां होगा वहां सारे, इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो तुम्हें संसार में लोग अच्छे दिखाई देते हैं ना सब गंदे हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखोगे उनको लगता है मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, ये हूं, मगर एक्चुअली क्योंकि स्वार्थ है इसलिए धर्म की दृष्टि से सब पाप में फंसे हुए हैं। पाप है स्वार्थ, क्योंकि आप अपने में घुसे पड़े हो। प्रहलाद कह रहे हैं सुहृदय, अगर घृणा करनी है तो अपने स्वार्थ से करो, अगर कुछ सोचना है तो हमेशा सोचो कि जीवात्माओं की दूसरों का मंगल कैसे हो, ये थॉट चलते रहना चाहिए कि मैं दूसरों की हेल्प कैसे करूं। दैट्स अ थॉट, आप वो छोटी हेल्प हो चाहे बड़ी हेल्प हो, मगर हमेशा सोचते रहो कि मैं हेल्प कैसे करूं। मगर उसको ये भी पता होना चाहिए हेल्प करनी कैसे है। अब ये भी बात है, सिर्फ ये सोचने से मैं हेल्प कैसे करूं काम नहीं बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए हेल्प करनी कैसे करनी। अगर आप सोचो मैं सबकी हेल्प करूंगा, मैं तो जानवरों की हेल्प भी करूंगा, और आपने कुत्तों को, बेचारे कुत्ते, और आपने उनको मिठाई खिला दी तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा? नहीं, कुत्ते को मिठाई ज़्यादा खिला दो तो उनके स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं धीरे धीरे। सबको हेल्प ही नहीं करनी आती। एक चोर सोचेगा यार मैं अपने बच्चों की पूरी हेल्प, बच्चे के बारे में तो सोचेगा ही, मैं उनकी मंगल करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा उनके, अच्छा हो, और फिर क्या सोचेगा? मैं इनको चोर बनाऊंगा। नहीं सोचेगा मैं सारी टेक्निक्स इनको सिखा दूंगा, वो तो सोच रहा सही है मगर हुआ क्या? कूड़ा। सो मंगल भी करना आना चाहिए। आइंस्टाइन भी सोच रहा था कि मैं संसार का कल्याण करूंगा, और उसने क्या बना दिया? क्या बनाया उसने? E=mc², और उससे क्या बना? एटम बॉम्ब। से करोड़ों लोग मर गए, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 एटम बम पे बेस थी। और आइंस्टीन ने बोला भी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने तो सोचा था कि जीवों का कल्याण होगा, मगर मेरे करने से कुछ और हो गया। महात्मा गांधी, वो तो हेल्प ही करना चाहते थे मगर क्या हो गया? डिवाइड ही हो गई, आज तक लड़ाई चल रही है। सो इंटेंशंस तो ठीक थी मगर एक्शन भी ठीक होना चाहिए। नहीं सिर्फ आप ये नहीं कह सकते, अब ये नहीं कह सकते कि आप आए भी तो आपकी वजह से दो जनों में लड़ाई हो गई, तो आपको नहीं भी मेरी तो इंटेंशन ठीक थी। इंटेंशन समझते हो ना आप लोग, मेरी तो चेष्टा ठीक थी, मैं थोड़ी ना लड़ाई कराना आया हूँ। भाई तेरी इंटेंशन ठीक है, एक्शन तो ठीक नहीं है। सो प्रहलाद वही कह रहे हैं दया सौहृदय, इंटेंशन एंड एक्शन। इंटेंशन चेष्टा में दया होनी चाहिए, हमेशा दूसरों के मंगल के बारे में सोचते रहो। सौहृदय मतलब ये सीखो कि मंगल कैसे करना है, और बेस्ट मंगल क्या कर सकते हो? उनको भक्ति दो, भक्ति करोगे तो उसमें कोई अमंगल नहीं। बाकी संसार की चीजें कुछ मैनिपुलेट करोगे तो उसमें आगे जाके क्या हो जाए हमें नहीं पता, भगवान नहीं है ना, हम तो कुछ सोच के कर रहे हैं मगर पता नहीं क्या हो जाए आगे जाकर। जैसे अभी हम सोच रहे हैं, साइंटिस्ट और सब लोग सोच रहे हैं संसार का कितना मंगल होगा जब मतलब कितना अच्छा है, यहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, कम्युनिकेशन बढ़ गई, मगर एक्चुअली हो क्या रहा है? अब सारे वर्ल्ड में लोग नोट कर रहे हैं, खुद ही अमेरिकन साइंटिस्ट
इकोनॉमिस्ट नोट कर रहे हैं कि भाई ये जो डिवाइस आ गई है इससे तो और दुनिया का कबाड़ा ही होता जा रहा है। सोचा कुछ था मगर हुआ कुछ। हम इंसान है ना, हमें नहीं पता एग्जैक्टली हमारे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। हम इंटेंशन तो ठीक रख सकते हैं मगर इसलिए भगवान जो कह रहे हैं वो करते रहो, बस सिंपल है, सिंपल हो गया। भगवान कह रहे हैं सबको भक्ति दो, उसमें किसी का कल्याण नहीं होगा। प्रहलाद कह रहे हैं डू दैट। प्रहलाद कह रहे हैं कि धर्म अर्थ कामा इति यो अभिहित त्रिवर्ग इक्षत्रयी नयत इमौ विविधा च वार्ता मन्ने तदेता अखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मर्पणम सुसुहृद परमस्य पुंसः। प्रहलाद कह रहे हैं कि इस संसार के लोग धर्म अर्थ काम में ही पड़े रहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही चाहते हैं ना सब लोग, एडवांस हो हमारी कंट्री, अर्थ प्रॉफिट हो, सक्सेस मिले और काम हमारी इच्छा है पूरी, यही चाहते हैं ना सब लोग। मगर प्रहलाद कह रहे हैं वेल त्रयी नया दिमाग विविधा च वार्ता, बट प्रहलाद कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ एंडेवर है, बेकार है सब करना, क्योंकि आज जो सक्सेस है कल फेलियर हो जाएगा, है नहीं? ऐसी होगा ना। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस आ गई, कहाँ चली गई? बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, मिट्टी में मिल गई नहीं मिल गई? बड़े बड़े राजा है मिट्टी में मिल गए, हुआ क्या? संसार तो वही चलता जा रहा है ना, हम संसार का कुछ चेंज कर पाए और ना अपने आप को चेंज कर पाए। तो किया क्या आपने? कुछ भी नहीं किया। इसलिए प्रहलाद कह रहे हैं कुछ चेंज करना है तो अपने चरित्र को बदलो, कुछ बदलना है तो अपनी चेतना को बदलो। चरित्र बदलेगा धर्म से, चेतना बदलेगी भक्ति से। सो दोनों को लेके चलो, दोनों जितना पालन हो सके समझो, पहले नॉलेज लो, आगे बढ़ो। प्रहलाद कह रहे हैं वेल मेरे हिसाब से सब सिविलाइज सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जा रही है। शास कह रहे हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सोसाइटी कह रही है नो थिंकिंग एंड हाई लिविंग। सोचो मत, जो अचीव करना है करो, यही है ना। देखो मत किसी, सोचो मत कि दूसरे को क्या होगा, कोई भी तुम्हारे रास्ते में हटा दो, पेरेंट्स रास्ते में नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, आप कैसे बोल रहे हो, आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, यही है ना। सोचो मत, बस टारगेट क्लियर करो ऑफ अचीव करो, यही तो कह रहे हैं सब लोग। नहीं, टारगेट होना चाहिए, किसी की बात मत सुनना, तुम्हें लोग रोकेंगे सक्सेस से। पहले सब आसुरी चीजें है नहीं, उस चक्कर में सब डिस्टर्ब होंगे, वो होंगे आपकी सक्सेस, आपका रो गया सक्सेस लेके अकेले बैठे हो गया दुनिया में और क्या होगा, ऐसे ही हो रहा है। सक्सेस तो मिल गई भाई, कॉरपोरेट वर्ल्ड का सीईओ बन गया, वाइफ का है डाइवोर्स हो गए, बच्चे का है वहाँ हॉस्टल में पढ़े कहीं दूर, पेरेंट्स का है वो तो पहले उनको हटा दिया था, अब क्या हो रहा है, अब मैं घर में हूँ अपनी सक्सेस के साथ और एक कुत्ते के साथ, बस वो मुझे चाट रहा है और मैं उसको चाट रहा हूँ। अब ये लाइफ चाहिए तो बात अलग है। एक्चुअली पता है शास्त्र ना, शास्त्र कोई हाईफाई चीज नहीं, कॉमन सेंस सिखा रहे हैं। शास्त्र आपको ये नहीं सिखा रहे कि कोई दुनिया ऊपर से उतार के कोई ज्ञान लाएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा, ऐसे मंत्र बोलोगे शक्ति आ जाएगी और वो तीसरी आंख खुल जाएगी, ये सब कुछ नहीं है। आपको रियलिटी कॉमन सेंस दे रहे हैं, भाई तुम आंखें खोलो, देख लो क्या चल रहा है और सही डिसीजन ले लो। भागवत गीता भी यही है, इसलिए शास्त्र मैनुअल ऑफ लाइफ है, मैनुअल ऑफ लाइफ है, अपना जीवन चलाना सिखा रहे हैं। भी देख लो तुम क्या कर, मैंने बताया प्रहलाद महाराज के कैलकुलेशन, प्रहलाद ने दिखा दिया ना क्या कर रहे हो, दिखा दिया ना एक सेकंड में कर रहे वही, प्रहलाद ने दिखाई दिया क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, कर क्या रहे हो। आइडियली तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आइडियली तो हमारे वर्ण आश्रम कितना अच्छा था, भी एक गाय हो, थोड़ा सा खेत हो उसमें अपनी सब्जी हो गई, एक छोटा सा घर हो अपना पार्क हो, बस बेस्ट लाइफ है। अगर आप कहोगे ये क्या है, हमें पिछड़ा बना रहे हो, ये ऐसे ही कहते हैं ना, पिछड़ा बना रहे हो, ठीक है पिछड़ा बनना अच्छा है कि अच्छे इंसान रहे, तुम्हारा एडवांस्ड बन के गंदे आदमी बनना वो तो और भी गंदा है। वो एडवांस्ड कहे की फायदा है, जो गंदे बन गए आप, सारा माइंड में कचुंबर भर गया, नहीं यही है ना एडवांसमेंट, यही है ना एडवांसमेंट। क्या सेक्स एंड वायलेंस दो ही चीजें हैं, बस दो ही शब्दों में एडवांसमेंट है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कामेश क्रोधेश रजोगुना समोद्भव, काम मतलब सेक्स, क्रोध मतलब वायलेंस, यही सिखा रहे हैं।
पूरे मीडिया में यही है, यही है, ये एडवांसमेंट है हमारी भाई। सो व्हाट्स द पॉइंट, इसे तो हम डी एडवांस्ड ही अच्छे हैं। और वैसे भी इस सोसाइटी में टाइम ही नहीं है कुछ सही काम करने का। सबसे बड़ी बात तो ये है, टाइम कहाँ है ठीक चीज करने का। मतलब हम तो चलो आप लोग आ भी रहे हो यहाँ और थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, मगर एक्चुअली आप लोगों के पास ही रियली टाइम तो है नहीं ना। मतलब सोसाइटी में तो पूरे फंसे पड़े हो, रियली में जो टाइम देना चाहिए वो टाइम आप सही में दे नहीं पा रहे। सो प्रहलाद कह रहा, वेल मेक योर लाइफ सिंपल, जितनी सिंपल बनाना चाहते हो सिंपल बना दो। अपने अपने जीवन को ऊंचा मत करो, अपने विचारों को ऊंचा करो, वो आधा जरूरी है। जीवन को तो सरल बनाते जाओ, सरल जितना हो सके, जितना हो सके कम से कम जरूरी होते होने चाहिए जीवन, जितना हो सके कम से कम लोगों से इधर उधर बातें करना, मिलना, डोंट डू दैट। और भगवान एक एव चरेत भिक्षु, ये 11th कैंटो में आ रहा है, एक एक महान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है एक एव चरेत, अकेले रहता है। अकेले मतलब वाइज लोगों के साथ, अकेले मतलब बेवकूफों के साथ नहीं रहता। ये बुद्धिमान व्यक्तियों करना है, तभी तो कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अपना संग बहुत जरूरी है। सो प्रहलाद ने फिर एंड में बोला, ठीक है प्रहलाद बोल रहे हैं, ज्ञानम तत् एतत् अमलम दुर्वापहम आहा। सो ना प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वेल ये सारी नॉलेज जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये मैंने तुम्हें अपने मन से बना के नहीं बताया, ये पहले नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि को दी और फिर नारद मुनि ने मुझे दी जब मैं गर्भ में था। अब इस नॉलेज को समझोगे कैसे, सुन तो आप सब रहे हो, अनुभव कैसे करोगे? तो प्रहलाद कह रहे हैं, एकांत नाम भगवत तद अकिंचना नाम पदारविंद रजसा आप लो तदेहि नाम स्यात्। प्रहलाद कह रहे हैं, जब तक हम भक्तों की, शुद्ध भक्तों के चरणों की रज अपने सर पे नहीं लगाएंगे, तब तक ये नॉलेज अनुभव नहीं हो सकता। या दूसरे शब्दों में, जब तक हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम एक टीचर नहीं लेंगे और फेथ के साथ उसको फॉलो नहीं करेंगे, शुरू में तो फेथ चाहिए ना, शुरू में तो हो सकता है लॉजिक समझना है, लॉजिक हर चीज़ का, मगर लॉजिक टाइम पर समझ आता है ना तो सक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ आ जाएगा। सो इट्स लाइक दैट, वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस। और ये प्रहलाद की शिक्षा, हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना, आई विल स्टॉप हियर। इट्स वेरी नाइस प्रहलाद, प्रहलाद। ओके, कोई क्वेश्चन है? सिंपल है, भगवान की बात माननी है बस भाई। वो एक लाइन समझने में पूरी लाइन लग गई, फिर भी समझ गया। भगवान की बात क्यों माने, भगवान की बात मानने से क्या होगा, हजार क्वेश्चन भाई, मान के देख लो क्या हो, उससे रास्ता आसान ज्यादा बेटर ही है नहीं? बेटर तो यही है, रादर देन हजार निकालते रहना, मान के देख लो, नहीं सही लगे छोड़ देना, और क्या, सिंपल सी बात है, सिंपल है। मतलब मैं तो डॉक्टर ही हूँ, तो हमने तो मेडिकल साइंस पढ़ी है, तो हमें तो पता है कि बॉडी कैसे चलती है, हेल्थ कैसे सही रखनी है, व्हाट एवर इट इज, जो भी पता था हमें। बट फिर भी हेल्थ सही नहीं रह रही थी, कितने लोग डॉक्टर हैं, सब बीमार तो रहते ही हैं। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, भगवान की बात मान के देख लेते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं हेल्थ के बारे में। आयुर्वेद, तो मैंने आयुर्वेद पढ़ा, और जो भगवान कह रहे हैं करता गया, हेल्थ परफेक्ट है। और अब फॉलो करके समझ आया कि एक्चुअली क्यों कह रहे हैं, नहीं फॉलो करके समझ आया कि उसके पीछे लॉजिक क्या आता है, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे तो मैं कई लोगों को जाके बोलता हूँ, भैया दिन में 10:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में सो मत, तो सो गया उस टाइम वो मृत्यु बुला रहा है बस। अब मॉडर्न साइंस के आपसे देखोगे तो ये क्या बोले, कभी भी सो सकते हो, नहीं जब थके हो, मॉडर्न साइंस से जब थके हो तब एनर्जी आ जाएगी, सो जाओ। बट मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो भगवान कह रहे हैं माफ मान लो, फिर करते गए करते गए करते रहे करते रहे करते रहे, तो फिर उसको लॉजिक समझ आ गया क्यों हो रहा है।
अंडरस्टैंडिंग आ गई। सो क्या होता है, भगवान की बात ना एक बार में समझ आएगी नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, वो एक मतलब मोस्ट वाइज पर्सन बोल रहा है, एक मूर्ख कैसे समझ लेगा इमीडिएटली बताना। अगर सबसे बुद्धिमान आदमी आके अगर आपसे बोलने लगेगा ना, आपको फ्रेंच लगेगी, समझे, हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे ना उस बंदे से। ये रिलेट समझते हो ना, रिलेट करना। वो कहेगा यार ये बोल क्या रहा है भाई, कहाँ की बात बोल रहा है, ये है क्या ये वो कुछ नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ सकता। आप बोलो, आप किसी रिक्शे वाले को पकड़ो और उसको बोलो क्वांटम फिजिक्स, कहेगा भाई क्या हो रहा है, कहाँ से आया है तू, कौन से ग्रह से आया है, क्वांटम फिजिक्स है, हाँ मतलब ये होता क्या, ये एंटेंगलमेंट, डीपोलराइजेशन, स्पिन, ये है क्या ये, ये कहेगा माफ करो है नहीं, वो रिलेट ही नहीं कर सकता। सो जब वो एक साइंटिस्ट बोला रिक्शा वाला से, जब वो रिलेट नहीं कर पा रहे, तो भगवान बोल रहे हैं हम जैसे छोटे जीवात्मा से तुम क्या रिलेट कर पाएंगे बताना, ये क्या चल रहा है भाई उठपटांग। इसीलिए भगवान कह रहे हैं फेथ रखो, इसीलिए भगवान कह रहे हैं शुरू में नहीं सब, तभी फेथ का कॉन्सेप्ट आता है। फेथ का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आ रहा जो आजकल डिबेट चल रही है, फेथ रखो या लॉजिक से समझो, नहीं फेथ क्यों कह रहे हैं पहले समझो, अंधविश्वास है नहीं, ये यही कहते हैं ना लोग, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहा। क्वेश्चन इसलिए आ रहा है भाई फेथ का, क्योंकि तुम अभी लॉजिक समझने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं लॉजिक नहीं है भाई, तुम नहीं समझ सकते अभी, अभी तुम फेथ रखो कि एंटेंगलमेंट नाम की कोई चीज होती है, एटम में स्पिन भी होता है भैया, रिक्शा वाले को तू अभी तू सुन ले भाई, एटम भी एक चीज है, उसमें स्पिन भी होता है, वो उसे बोला भी नहीं जाएगा स्पन क्या होता है, तू अभी यही याद कर ले बस, प्योर अर्थ समझता रहेगा, समझता रहेगा, फिर 4-5 साल बाद उसको समझ आएगा, ओहो एक्चुअली ये होता है, तू एटम की बात कर रहा था, वो एटम इसके अंदर होते हैं, यू सी द पॉइंट। सो फेथ इज नॉट मेकिंग यू ब्लाइंड, फेथ तो बल्कि आपको एक हायर लॉजिक तक लेके जा रहा है, जहां पे आपको ऐसे एक्सेस नहीं है, जहां पे आपका अहंकार आपको रोक रहा है, नहीं मैं लॉजिक समझ, भाई तू समझने को तैयार नहीं, तुझे हम हायर लॉजिक के पास ले जा रहे हैं, पहले तू फॉलो तो कर ले। एक्चुअली एक व्यक्ति है, आप यूट्यूब पे देखना, मैंने बहुत पहले देखा था, एक सेंट है साउथ में, तो वो सेंट है, तो आई थिंक उनको बोलते हैं तो उनको फायर सेंट बोलते हैं, द सेंट ऑफ फायर, तो वो आग में लेट जाता कुछ नहीं होता, आप देखना सेंट ऑफ फायर टाइप करना तो आएगा, साउथ इंडिया सेंट ऑफ ऐसी कुछ फायर सेंट, तो वो चिता बना के उसमें लेट जाता है पूरा, आग जलती रहती कुछ भी नहीं होता, वो पूरी आग पूरी लकड़ी वकड़ी अपने ऊपर चिपका लेगा, आग लगा देगा, घूमता है तो उसका पूरा इंटरव्यू है कि भाई तू ये ऐसे कैसे हो रहा है, तुझे आग जला ही नहीं रही, अभी अभी की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे है ये, कोई कहानियां नहीं है शास्त्रों की, मतलब हमने रामायण में सुना था कि सीता देवी ने प्रे की और हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को आग कुछ भी नहीं कर रही थी। अब आप बोलोगे आ चुका होगा यार रामायण की बातें, सब ढोंग है भाई, अभी हो रहा है, अभी आप यूट्यूब होता मैं दिखा देता, जाके देख लो। तो उसे पूछा भाई कैसे, तो उसने कहा भैया ऐसा है कि मैंने अपने गुरु की एज इट इज बात मानी। तो वो क्या करता है, वो रोज सुबह गाय को 50 बार दंडवत करता है, फिर उसके बाद उसके गुरु ने कुछ मंत्र बोलने को कहे हैं, कुछ प्रोसीजर से वो बोलता रहता, उसमें पावर आ गई है ऐसा। तो अब इन लोगों क्या बोलोगे आप, आपके आंख बंद कर लोगे क्या, नहीं मैं नहीं देख रहा है, मत देखो, हमारे शास्त्र गलत नहीं है, वो जब जो हो चुके हैं ना वो आज भी हो रहा है आज, मगर हम देख नहीं रहे, हमें पता ही नहीं ना, ऐसी चीज़ें हो रही हैं संसार में, ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शन है मगर हैं। तो शास्त्रों में भी कौन सा बोल रहे थे, हरे के पास पावर थी, हमने कब कहा कि हनुमान जी को आग नहीं लग रही थी, तो किसी को आग नहीं लग रही थी, सबको लग रही थी, तो हनुमान जी को नहीं लग रही थी, एक्सेप्शन थे उस टाइम भी, थे दो थे और क्या, आपको पहले लोग उड़ते थे अभी भी उड़ते हैं, किसने मना किया, मैंने देखा हुआ है, हम भी करते थे, यूज भी करते थे, आप TM ज्वाइन कर लो आप भी कर सकते हो, TM पता है ना, ट्रांसेंडेंटल महर्षि महेश योगी, अब तो खैर नहीं रहे हो, तो वो मेडिटेशन करा देते उससे उड़ सकते हो, ऑफकोर्स ऐसे नहीं उड़ सकते कि समुद्र पार कर जाओ, मगर इतना तो उड़ जाओगे आप ऊपर। और अब हमें बता दिए कैसे कर सकते हो, साइंस क्या है उसकी,
एक व्यक्ति है, आप ये देखना यूट्यूब में, प्रहलाद जानी, प्रहलाद जानी उसका नाम है, जाके देख लेना उसके, प्रहलाद जानी, पता नहीं कैसा नाम है। वो खाता नहीं, खाता ही नहीं वो, पता नहीं 70 साल हो गए ना उसने खाया है ना पानी पिया। तो सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, भाई तो एक चल गया रहा है, ब्लड प्रेशर कम तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं बन रहे ना, उसको यूरिन आती है ना स्टूल, खाता ही नहीं कुछ, तो शरीर ऐसे चल रहा है। तो सारे टेस्ट अमेरिका ले गए, कुछ पता ही नहीं लगा। तो उसने कहा भाई तू कर कैसे रहा है? उसने कहा कुछ नहीं है, उसने कहा मैं बचपन में शिव जी के मंदिर जाता था, कहीं गाँव में रहता होगा जंगल में, रोज जाता था मैं बचपन में, पापा ने कहा था तुम पूजा करते रहो, पूजा करता था तो कई साल करता रहा। फिर एक रात पता नहीं तो एक रात शिव जी आए त्रिशूल के साथ, उन्होंने मुझे तिलक लगाया और तब से कुछ मैं खाने की जरूरत ही नहीं है। सो पॉइंट इज हाउ डू अकाउंट फॉर दिस केसेस? अगर साइंटिफिकली अकाउंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? एक तरीका है साइंस का है, नहीं बोगस है सब, एक तरीका है नहीं बकवास है, ये फेक है, हिपोक्रेसी है। भाई ठीक है फेक है, तो आपके रिसर्च के बाद भी तो कुछ नहीं निकल रहा, कर लिया ना आपने, कहां फेक निकला है सब। दूसरा तरीका है कि वेल कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन एक्सेस ऑर्डिनरली वे में एक्सेस नहीं कर सकता। सो भक्ति ऐसी चीज है, भगवान को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसके लिए पहले फेथ चाहिए। यू हैव टू फॉलो व्हाट पीपल आर सेइंग, साथ साथ लॉजिक भी आता रहेगा, समझ आने लगेंगी और आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। बाकी किसी की बात सुनने की है, बाकी तो करोड़ों लोग कहेंगे क्या तुम कर रहे हो अंधविश्वास। भाई अंधविश्वास के तू पहले आके सुन तो ले हमारी बात, फिर कंक्लूजन पे आई हो अंधविश्वास है यानी, ऐसे बोलते रहना अंधविश्वास ये सब, तभी तो ओ माय गॉड पिक्चर एक एंगल में ठीक भी थी गलत भी थी। ठीक इसलिए थी क्योंकि चल रहा है गलत, मगर गलत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने सही चीज पोर्ट्रे नहीं की, भी गलत चीज तो दिखा दी, सही चीज भी तो दिखा देते, वो तो दिखाना था ना, लोगों को कन्फ्यूज कर दिया ना, एक कन्फ्यूजन से निकालने के चक्कर में दूसरी कन्फ्यूजन में डाल दिया, मतलब व्हाट्स दैट, दैट्स व्हाई इट वाज रॉन्ग इन दैट सेंस। हाँ मतलब पूरे लोगों को जोकर बना दिया उन्होंने, सब गलत है, गलत है, गलत है। भाई तो सही क्या है, क्वेश्चन आएगा ना सही क्या है, अल्टीमेटली बेस क्वेश्चन आंसर क्या है, मैं सही हूँ, अल्टीमेटली आंसर क्या है, घूम फिर के फिर आज कंक्लूजन पे आ जाएगा, कुछ सही नहीं है, शास्त्र सही नहीं है, भगवान सही नहीं है, कुछ नहीं सही है, तो कौन सही है, मैं ही सही हूँ, और यहाँ से केओस शुरू हो जाएगा। सो एक्सेप्ट प्रहलाद महाराज की बात समझें और आगे बढ़ें, और दूसरों को भी, दूसरों को प्रीच करो ये, दूसरों को बताना ज़रूरी है क्योंकि लोग फालतू में अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। इतनी सिंपल चीज़ है, एवरीबॉडी शुड डिस्कस टॉक एंड हेल्प अदर्स। हरे कृष्ण। ओके दैट्स इट। श्रील प्रभुपाद की जय।